गाइस अगर आप एक अच्छा ट्राइपॉड ढूंढ रहे हो तो ये है मोबी लाइफ की तरफ से आने वाला ट्राइपॉड सेल्फी स्टिक, जो भी इसको बोल लो, क्योंकि इसका जो यूज है ना बहुत ज्यादा मल्टीपर्पस यूज है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। गाइस ये है वो अमेजिंग प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर आप यूट्यूब वीडियोज या फिर कोई भी वीडियो शूट करने में इंटरेस्टेड हो या करना चाहते हो या करते हो तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका प्राइस वगैरह बताऊंगा सारा कुछ, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स कई सभी इस टाइप का देखने को मिल रहा है। प्राइस है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये प्राइस है 1999, मतलब 1900 रुपए के अराउंड का ये प्रोडक्ट है। 64 इंच का एक ट्राइपॉड और साथ में यहाँ पे आप जो है इसको एज अ सेल्फी स्टिक भी यूज कर सकते हो और भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर है इसके अंदर। फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और कुछ बॉक्स वाले जो डिटेल्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें कैमरा भी आप लगा सकते हो, मोबाइल भी लगा सकते हो, वारंटी को आप एक्सटेंड करवा सकते हो इसको स्कैन करने के बाद। ओ ये खुल गया, चीर दिया। ओ यस, अंदर में एक माउंट है और बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, मैनुअल भी है। हाँ मैनुअल भी है, अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस वगैरह अच्छा है। और ये कुछ मेंशन है यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो इसका एक माउंट है। प्रोडक्ट अपना इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है ये प्रोडक्ट। इसमें जो आप मोबाइल होल्ड करोगे वो इस टाइप का है, ये देखो यहाँ पे कुशन लगा हुआ है, देख सकते हो, अच्छा दोनों साइड लगा हुआ है और यहाँ पे भी कुशन कुशनिंग की गई है। और ये इसको आप कम ज़्यादा टाइट और ढीला कर सकते हो, ओके। और इसकी क्वालिटी बहुत सही है, बिल्ड क्वालिटी सच में बहुत मस्त है। ये जो है ना इसको आपको खोलना पड़ेगा फिर लगाना पड़ेगा, ये पूरा खुल जाएगा, अलग हो जाएगा खुल के, देता हूँ मैं आपको। ये अलग हो गया, अब आप इसको लगा सकते हो यहाँ पे ये, और इसको यहाँ पे आपको कस देना है, देन उसके बाद आप इसमें कैमरा लगा सकते हो। ये काफ़ी सही फीचर है, स्क्रू ड्राइवर की वजह से मदद से खोला है, उसके बाद ये ओपन हो गया, देख सकते हो। तो गाइस हम लोग ना इसमें ऐसे फ़ोन लगा सकते हैं, यहाँ बहुत अच्छे से फ़ोन लग जाता है, पूरा यहाँ पे गद्दा दिया हुआ, अच्छा ग्रिप, और ये पूरा ऐसे मुड़ जाता है, देखो एकदम अच्छे से मुड़ता है ना, ऐसा भी नहीं कि एकदम टाइट है, एकदम मस्त मुड़ता है गेम खेले टाइप, ये देख सकते हो। ये मेरे को काफ़ी सही लगा, तो ऐसा नहीं है कि रुकता नहीं, हर जगह रुक जाता है, हर जगह इसका स्टॉपेज है, ठीक है। अब हम लोग इसको लंबा कर देंगे मस्त। अब गाइस इस ट्राइपॉड का यूज़ की बात करें ना तो अभी जो ये बहुत छोटा लग रहा है, बट ये 64 इंच तक लंबा होता है, देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत लंबा हो जाता है। देन उसका जो नीचे का पार्ट है वो ओपन भी हो जाता है, और ऐसे खड़े करेंगे तो ये पूरा मेरे हाइट तक पहुँच जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी हाइट है इसकी, बहुत अच्छी हाइट है। अभी स्टैंड को ऐसे ऊपर करेंगे तो और ज़्यादा इसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे गाइस ये बहुत ज़्यादा लंबा है और काफ़ी स्टर्डी है, यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा हिल भी नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, स्टील वाला है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है ना, वो फिट एंड फिनिश जो होती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होती है वो बहुत अच्छी है। फिट एंड फिनिश में ध्यान दिया गया है, यहाँ पे आपको ग्रिप मिलता है, सारा चीज़ ध्यान दिया गया, यहाँ पे रिमोट भी दिया गया है तो रिमोट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको इसका रियल यूज़ दिखाता हूँ, एग्जांपल गाइस हम लोगों को ना यहाँ पे देखो तार लगा हुआ, हम लोग उस पार जा नहीं सकते, तो हम लोगों को वो वाला जो फूल है उसका फ़ोटो लेना है, तो हम लोगों को ना ये ट्राइपॉड बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है। हम लोग रिमोट को ऑन कर लेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद इस ट्राइपॉड को पूरा लंबा कर देंगे, जितना भी ये लंबा होता है पूरा लंबा कर देंगे, और उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है ट्राइपॉड को कनेक्ट किए हम लोग रिमोट से, तो अब हम लोग उसके पास लेकर जा सकते हैं और आसानी से गाइस यहाँ पे फोकस वगैरह चेक करके हम लोग जो है फ़ोटो ले सकते हैं। जहाँ दूर तक हम लोगों को जाना है, किसी तालाब या फिर किसी नदी वदी में शूट करना है और नदी में हम लोगों को उतरना नहीं है, तब भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मेरा अगर आप लोगों ने आईफोन वाला वीडियो देखा होगा तो भी मैंने आईफोन वाला वीडियो जो है सिनेमेटिक शॉट इसी से शूट किया था, जहाँ पे बहुत सारे जो है बतख लोग थे तालाब के अंदर, और हम लोग इसी ट्राइपॉड को यूज़ करके तालाब के अंदर तक गए थे,
ये हम लोग इस फोन के इस ट्राईपोड के साथ सेल्फी स्टिक जो भी है उसके साथ कर सकते हैं और मल्टीपर्पस है ये बहुत ज्यादा। और नेक्स्ट यूज इसका दिखाते हैं। अब गाइस लाइक हम लोगों को सेल्फी लेना है तो बहुत ऊंचा सेल्फी लेना है लाइक एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, तो यहाँ से हम लोग सेल्फी ले सकते हैं, देख सकते हो इस टाइप का। और अभी हम लोग इस थोड़ा सा इसको नीचे झुका लेते हैं, ठीक है ऐसा, और इसको टाइट करके अब देखो अब हम लोग इतने ऊपर से सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ से एकदम ड्रोन शॉट टाइप का शूट हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड एरिया कवर हो रहा है, हम लोग भी दिख रहे हैं। तो इस टाइप से आप मस्त वीडियो भी बना सकते हो। लाइक अगर हम लोग को अब पैदल चलना है तो देखो ऐसे पैदल चल सकते हैं हम लोग, इतना मस्त शूट हो रहा है ना, फुल एकदम हाइट वाला शॉट अगर आपको लेना है तो इसके थ्रू हम लोग ले सकते हैं। और शेक भी नहीं कर रहा है वीडियो, आप लोग देख सकते हो शेक भी नहीं कर रहा है, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये मतलब लपक नहीं रहा है, नहीं तो कोई जो अच्छा कमज़ोर वाला रहता तो वो झुक जाता लपक जाता, बट इसके साथ ऐसा नहीं, आप बहुत अच्छे से वीडियो जो है वो शूट कर सकते हो एकदम मस्त क्वालिटी वाला। तो लाइक गाइस अब हम लोगों को ना ड्रोन शॉट लेना है, फेक वाला ड्रोन शॉट, तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं एकदम मस्त, काफ़ी मस्त लग रहा होगा। अभी ना हम लोग वाइड एंगल में रख दें और वाइड एंगल में देखो इस टाइप का आप शूट कर सकते हो। और अभी जो है हम लोग पैदल चलते हैं और देखते हैं उसके बाद, तो यहाँ पे देखो इस टाइप का आपको शूट देखने को मिलेगा, ऐसा आप लोग वीडियो बना सकते हो और एकदम ऊपर जा सकते हो, ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर से शूट लिया, शॉट लिया गया एकदम। यहाँ पे इस टाइप का आप वीडियो भी बना सकते हो, अंदर से शूट हुआ है ऐसा लग रहा है। तो गाइस उस टाइम जो ये ट्राइपॉड था उसको मैंने अपने फ़ोन में लगा कर रखा था और साथ में उस टाइम ना मैं स्टेबलाइजेशन ऑन करना भूल गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत शेक देखने को मिल रहा है। बट अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन कर दोगे और थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से शूट करोगे तो बहुत सही शूट होता है, तो बहुत ज़्यादा सही शूट होता है इस ट्राइपॉड की मदद से। सीरियसली ये जो है मोबी लाइफ का ट्राइपॉड काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा मुझे, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसके साथ। इवन गाइस अगर आप मतलब घर बैठे स्टूडियो में भी शूट करते हो या फिर सिनेमेटिक मूव या फिर जिस टाइप का भी वीडियो लेना है या फिर कहीं घूमने जाना है तो ये सेल्फी स्टिक बन जाएगा। और साथ में बहुत सारे यूजेस, और यहाँ पे आप लोगों को जो ड्रोन शॉट है वो दिख ही रहा होगा वीडियो में, तो बहुत सारे अलग अलग यूज़ हैं इस ट्राईपोड के। मल्टीपर्पज़ ट्राईपोड है, रिमोट है, रिमोट के थ्रू आप जो है दूर से भी सेल्फी ले सकते हो और रिमोट के थ्रू गाइस आप इसको स्टैंड में लगाकर ग्रुप सेल्फीज या फिर ग्रुप फोटो ले सकते हो। प्राइस गाइस इसका मैंने आपको बता दिया है वैसे भी, तो अंडर 2000 में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। क्वालिटी में भी कोई भी क्वालिटी में बिल्कुल भी मार नहीं खाएगा, बहुत प्रीमियम क्वालिटी का है ये प्रोडक्ट, हर चीज़ फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो अगर आप खरीदोगे तो हाँ आपको लगेंगे कि वर्थ है जो आपने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो बस गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो होप आपको ये ट्राईपॉड बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा, और भी इस तरह की वीडियोस देख सकते हो आप, मेरे चैनल में अवेलेबल है। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।